गुड आफ्टरनून। आज हम दीपक लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज से हम लोग अपना जुडिशियल सर्विस, अभी तो हम बात करेंगे राजस्थान जुडिशियल सर्विस की, उसका बैच स्टार्ट कर रहे हैं। लाइव क्लासेस होंगी जो पेड होंगे, फिर हम लोग उनको अलग क्लासेस होंगी। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ। दरअसल ये जो हम अब क्लासेस ले रहे हैं, ये स्पेशली नॉट ओनली मेड फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। यहाँ पर हम जुडिशियल सर्विसेज के साथ साथ एलएलबी के भी पेपर्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी आपके ये काम आएंगी। साथ में आप अदर स्टेट्स के एग्जाम देते हैं वहाँ पर भी। तो जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक सब्जेक्ट होता है जुडिशियल एग्जाम का, वहाँ वहाँ ये प्रिपरेशन होंगी, आप फ्रूटफुल रहेगा। चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लॉ कहते किसको हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ। लेकिन मुझे मालूम है कि हाँ, मोस्टली स्टूडेंट्स ये चाहेंगे कि सर हमें थोड़ा सा जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। एलएलबी के अभी हम लोग सेकेंड ईयर में हैं, कुछ बच्चे होंगे वो ये कहेंगे कि हम लोग 9th सेमेस्टर में हैं, क्या हम अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें, हमें कोचिंग कब से लेनी चाहिए, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं। कई कई बार बच्चे 12th एग्जाम करने के बाद ही एलएलबी में, जैसे वो 5 ईयर लॉ में एडमिशन लेते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर बन जाता है कि आपको कोचिंग लेनी है लेनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी प्रेशर मत रखिए, बिल्कुल फ्री रहिए। इन सब का एक टाइम पीरियड होता है। अगर आप 5 ईयर लॉ में हैं और 1st सेमेस्टर में हैं, 2nd सेमेस्टर में हैं, आपको कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। आराम से पहले आप उससे फैमिलियर हुई है, ठीक है, बेसिक टर्म्स से आप फैमिलियर हुई है। ऐसा नहीं है कि अभी से आप ज्वाइन करेंगे तो फिर आप बहुत बढ़िया स्टडी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। प्रेशर बिल्कुल मत लेना, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जुडिशरी में अगर कोई भी अपना कैरियर बनाना चाहता है जुडिशरी के अंदर, तो उसके पास पहुंचने के दो रास्ते आते हैं। एक आता है आफ्टर 12th, ठीक है, अनदर वन इज आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन वो वहां पहुंचने की बात कर, आफ्टर ग्रेजुएशन अगर वो आते हैं तो उनको 3 साल लगते, और 12th के बाद वो आते हैं तो वहां उन्हें 5 ईयर लगता है। इन दो सिचुएशंस होती है। इसके लिए आपको BA, BSc, BCom कोई डिग्री, आपको 3 ईयर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फिर आप LLB करते हैं तो ये आपको लेगी 3 साल। यहाँ 12th के बाद ही आपके पास 5 साल, तो 1 साल का बेनिफिट होता है यहाँ पर हमको। 3 साल तो ये लगते हैं, 3 साल ये 6 साल होते हैं, 6 ईयर्स। अगर आपको जुडिशरी में ही जाना है तो आपको ये डिसाइड 12th क्लास में ही कर लेना होगा। क्लैट का एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला तो परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आपका टारगेट है जुडिशियल क्लासेस। हमारा टारगेट जुडिशियल क्लासेस है, हमें वही जाना है। चलिए अब बात करते हैं कि हाँ चलो हमारा 12th हो गया, या हमने 5 ईयर लॉ में एडमिशन ले रखा है हमने। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जुडिशियरी एग्जाम्स में, और इसकी प्रिपरेशन जुडिशियरी एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो उसके 3 स्टेज होती हैं। एक स्टेज होता है प्री, एक स्टेज होता है मेंस, और लास्ट आता है इंटरव्यू, लास्ट इंटरव्यू होता है, ठीक है। ये 3 स्टेजेस हैं इसकी, प्री मेन इंटरव्यू। अब प्री के अंदर जो आपका पैटर्न है, जैसे अभी हम बात करते हैं, अभी एमपीजीएस की भी वैकेंसी आ चुकी है, आप लोगों ने उसके भी फॉर्म भरे होंगे। तो जो एमपीजीएस का फॉर्म जिन लोगों ने भर रखा है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये उनके भी काम आएगा। जैसे एमपीजीएस की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं आरजेएस की, तो बेसिकली अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है वो है राजस्थान जुडिशियल सर्विस। राजस्थान जुडिशियल सर्विस हो, बिहार जुडिशियल सर्विस हो, उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस हो, एमपी जुडिशियल सर्विस हो, गुजरात जुडिशियल सर्विस हो, लॉ तो सब जगह एक है ना। हाँ, उनके अंदर जो लोकल लॉज होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप यूपीजेएस के, एमपीजेएस, गुजरात जुडिशियल सर्विस, आप जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां आपको बहुत से सब्जेक्ट्स एक जैसे होंगे। अभी दिल्ली दिल्ली जुडिशियल सर्विस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिल्ली जुडिशियल सर्विस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट तो आपको हर जगह मिलेगा। चलिए जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं,
तो कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि सर आरजीएस में, एमपीजीएस में, गुजरात जुडिशियल सर्विस में, हरियाणा जुडिशियल सर्विस में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो है ही, स्टेट अलग हो गया तो लोकल एक्ट्स उनके लिए एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे आपको। राजस्थान वाले हो तो आपको एमपीजीएस का पेपर देना है, तो दो लोकल एक्ट्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। एमपीजीएस वाले हैं, राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनको राजस्थान के एक लोकल एक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान जुडिशियल सर्विस का सबसे अच्छी चीज ये है कि यहां पर जनरल नॉलेज वाली पेपर अभी तक ऐड नहीं हुआ है, बाकी सब स्टेट्स के अंदर आपको जीके का मिल जाएगा। राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जाम ही सबसे इजी एग्जाम है, बहुत इजी है। और जो इस समय एलएलबी कर रहे हैं ना, उनको तो तैयार रहना है कि अभी से वो अपना टारगेट सेट करें और अपनी स्टडी को उसी के अकॉर्डिंग बना करके रखें। प्री का पेपर जब होता है तब प्री में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू। यहां आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। इनमें से आपको एक राइट पर टिक करना है, आपको आपको राइट पे करना है कि कौन सा इसमें सही है। ये वाला मतलब होता है एमसीक्यू का, दैट्स कॉल्ड एमसीक्यू। इसके बाद आता है मेंस, और मेंस में आपका पेपर होता है रिटेन का। सबसे बड़ा भ्रम ये है कि लोग मेंस की प्रिपरेशन कब करते हैं, वो ये सोचते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि पहले मैं प्री की तैयारी कर लेता हूँ, प्री क्लियर हो जाएगा फिर मैं मेंस की तैयारी करूंगा, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। क्यों? क्योंकि प्री और मेंस के बीच में 45 to 50 days का ही टाइम पीरियड मिलता है, उसमें आप क्या कर लोगे? प्री की प्रिपरेशन में एक तो आप बिल्कुल लिखते कुछ हो नहीं, आपको बस पढ़ना है, टिक लगाना है, चेक कर लेते हो, हाँ अरे इतने मेरे सही हैं इतने गलत हैं। इसलिए आपको प्रिपरेशन डायरेक्ट मेंस पे फोकस करते हुए करनी है। और इसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा तो आप कुछ टाइम के लिए कोर्ट ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको बेसिक प्रोसीजर पता चल जाए प्रैक्टिकल। ये नहीं है अभी से आपने कोर्ट ज्वाइन कर लिया। अगर आपको जुडिशरी में जाना है तो मेरा सजेशन यही है कि आप कोर्ट को अभी साइड में रख दें, कोर्ट प्रैक्टिस ना करें, ये मेरा सजेशन है। आप पूरा फोकस थियोरेटिकल नॉलेज पे रखो, प्रैक्टिकल नॉलेज बाद में ले लेंगे, या जब आपकी थियोरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी हो जाए और अभी एग्जाम दूर है, डेट नहीं आई है, तो आप कुछ दिनों के लिए कोर्ट ज्वाइन कर लेना। यहां आपको वो इंटरव्यू, यहां आपको फायदा पहुंचाएगा। सर अब आपके क्वेश्चंस क्या निकल के आते हैं? आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, कौन से, क्या सारे सेक्शंस पढ़ना जरूरी है? देखिए दो पेपर होते हैं, सिविल और एक होता है क्रिमिनल, और एक पेपर आएगा आपका लैंग्वेज का। सिविल, क्रिमिनल और लैंग्वेज, सिविल पेपर, क्रिमिनल और लैंग्वेज। राजस्थान जुडिशियल सर्विस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर इस तरह से बाइफरकेशन नहीं है कि सीपीसी में से इतने क्वेश्चन आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में से इतने आएंगे, कॉन्टैक्ट में से इतने आएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ पता नहीं है, आ भी जाए ना भी आए कुछ नहीं पता, कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 आ जाए कहीं 5 आ जाए। लेकिन एमपीजीएस की अगर हम लोग बात करते हैं, मैं बहुत अच्छा, मैं इसकी बहुत तारीफ भी करता हूँ स्पेशली एमपीजीएस के बारे में, कि उन लोगों के सिलेबस के अंदर बिल्कुल एकदम क्लियर है, इसमें से इतने क्वेश्चन बनेंगे, इस सब्जेक्ट में से इतने बनेंगे, वो बैग बढ़िया रहता है। उससे क्या होता है, हमें आइडिया रह जाता है कि हाँ यार कॉन्स्टिट्यूशन में से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो 15 जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन इन में से बन सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आरजेएस की अगर हम लोग बात करें तो कोई फाइनल नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज ये भी दे रखी है कि आपको जीके का नहीं पढ़ना पड़ रहा, बस यही तो है इसके अंदर, और क्या है, इतना डिफरेंस है एमपीजीएस और आरजेएस में। तो बस यही आज की वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्टी लिया, एक तरह से इंट्रोडक्शन लिया है हमने इस चीज का कि एमपीजीएस, आरजेएस, यूपीजीएस, इनमें क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या फर्क है। तो कॉन्क्लूजन क्या निकल के आया? कॉन्क्लूजन ये निकल के आता है कि आरजेएस की प्रिपरेशन बहुत इजी है, इसलिए ऑल द बेस्ट। और हम सब मिलकर के आरजेएस के एग्जाम को प्रायरिटी पे रखते हुए, क्योंकि अभी इसी के लिए हम लोग बैच स्टार्ट किए हैं और इसको क्रैक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।